To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माई YouTube चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज हम मैं आपको बहुत ही एक अच्छे टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो टोटली फुली ऑटो ट्रेड है। मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग का एक फुली ऑटो ट्रेडिंग टूल है जिसके अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी नहीं करना है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग होगी यहाँ पर ऑप्शन में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ओनली बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड होगी, वो भी इंट्राडे, और स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी वो ऑटोमेटिकली करेगा। ये एक्चुअली ये जो टूल है ये शॉर्ट स्ट्रेडल करेगा, शॉर्ट स्ट्रेडल बनाएगा, एक स्ट्रेडल बनाएगा जो कि शॉर्ट होगा, और साथ में इसमें एडजस्टमेंट खुद से करेगा। आपको एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, वो खुद से अपना एडजस्टमेंट करेगा और ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करता रहेगा अपना। तो उससे क्या है कि आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। मैं इस वीडियो को आपको लाइव भी दिखाऊंगा और साथ में जो है आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली किस तरह से एडजस्टमेंट करता है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखेगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये टूल किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसमें आपका मैनुअल कुछ भी करने की मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपना अपने हिसाब से टूल करेगा। बस आपको प्रॉफिट लॉस आपको खुद को डिसाइड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रखना है, मैक्सिमम लॉस कितना रखना है। अगर इन बिटवीन अगर आप टूल के रन करते में अगर आप प्रॉफिट लॉस चेंज भी करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं आप। और ये टूल जो है अगर आप रिमोट सर्वर पर, जैसे कि अभी इसमें रिमोट सर्वर पर जनरली रन किया जाता है, इसको रिमोट सर्वर पर रन करने से, AWS सर्वर पर रन करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर कुछ भी कनेक्शन में एरर आती है, जैसे इंटरनेट वगैरह बंद होता है, इंटरनेट वगैरह बंद होता है तो कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो AWS सर्वर पर अगर इस टूल को रन करते हैं तो कोई भी इशू नहीं आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम टूल के बारे में। अब इस वीडियो को 6th of Jan को रिकॉर्ड किया गया है। देखिए किस तरह से इसमें सिंपल सा जो है हमें बस पर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी ऑर्डर यहाँ पर प्लेस नहीं है, सिर्फ हमें मेन फाइल पर क्लिक करना है। मेन फाइल पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिकली पुश होंगे, हमें किसी प्रकार को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन नहीं करना है। अगर एडजस्टमेंट होगा तो भी वो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। देखिए प्रोसेस हमारी चल रही है, प्रोसेस चल रही है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डर पुश होंगे। अभी आप थोड़ी सी देर में ऑर्डर पुश हो जाएंगे। अभी ऑर्डर में हमारे पास सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, कुछ भी ऑर्डर नहीं है, नो पेंडिंग ऑर्डर्स फाउंड आ रहा है, बट जल्द ही जैसे ये देखो स्टार्ट वेब सॉकेट जैसे स्टार्ट हुआ ये यहाँ पर तुरंत देखो ऑर्डर पुश हो गए। ऑर्डर पुश होने के बाद में यहाँ पर आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से ऑर्डर पुश हो चुके हैं, उसने ऑटोमेटिकली स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया है, और यहाँ पर हम MTM देख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मतलब यहाँ पर अगर आप चेंज MTM करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज MTM करना चाहते हैं तो चेंज MTM पर क्लिक कर अगर हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस या निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ओनली निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ से चेंज कर सकते थे हम। मैनुअली एग्जिट करना चाहते हैं तो मैनुअली एग्जिट भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसको अभी पॉज करके फिर से थोड़ी देर में इसको जो है अभी देखो फिर से थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब प्रॉफिट जो है ये कुछ हमें 370-360 के अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा है। हम अगर चाहते हैं तो एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ पर, मैनुअली स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
हमने अभी फिलहाल यहाँ पर निफ्टी में जब ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट डाला हुआ है और मैक्सिमम लॉस ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइन किया हुआ है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज MTM पर क्लिक करेंगे या फिर एग्जिट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये जो हो रहा है, ये जो हम टूल को रन कर रहे हैं रिमोट डेस्कटॉप पे रन कर रहे हैं, ताकि क्या है कि कभी अगर मान लीजिए कि अगर कनेक्शन लाइट वाइट चली भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब चेंज MTM पर क्लिक करके हम इसका जो है MTM चेंज कर दें, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये ऑटो एग्जिट हो सकता है। क्योंकि अभी तो हमने जो है प्रॉफिट को 1500 डाला हुआ है और मैक्सिमम लॉस 900 रुपये डाला हुआ है, बट इसको चेंज करके हम जो है यहाँ पर 420 कर देते हैं, तो उससे कि आपको समझ में आएगा किस तरह से ये ऑटोमेटिकली एग्जिट होगा। अब जैसे 420 पे आपने सेट कर दिया, तो अब देखो थोड़ी सी देर में ये जो हमारा एग्जिट हो जाएगा। 420 जैसे टच किया MTM अप्रॉक्सीमेटली, तो एग्जिट हो जाएगा। देखिए ये हमारा ऑर्डर अपडेट हुआ है, ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्डर्स अपडेट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम इसकी लॉग फाइल में जाकर देख सकते हैं कि लॉग फाइल में जो है क्या क्या कहानी हुई है। पूरी लॉग फाइल में आपको पूरी कहानी बता देगा, अगर कोई एडजस्टमेंट भी होता है तो पूरी लॉग फाइल में सारी कहानी आपको पता लग जाएगी। अब यहाँ लॉग फाइल में जा कर के हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लॉग फाइल में हमको दिख रहा है कि इसने जो है सारी पोजीशन एग्जिट हो गई है, और 408 का 40 ऑल पोजीशन एग्जिटेड, 408 का जो है इसने प्रॉफिट को रियलाइज्ड किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अब 6th of Jan को आपको दिखाया रिकॉर्डिंग, 6th of Jan को इसको रन किया गया था, बट इस टूल को 6th of Jan के अलावा 7th Jan को भी रन किया गया है, लेकिन 7th Jan की चूंकि रिकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी आपको लॉग फाइल दिखा देता हूं मैं। ये 6th Jan वाला तो हमने देख ही लिया कि 6th Jan में क्या हुआ था। 6th Jan में जो हुआ था 408 का इसने इस टूल ने प्रॉफिट बुक किया था सिंगल लॉट पर ट्रेडिंग। यहाँ पर देखा सिर्फ ओनली निफ्टी में ट्रेड किया गया था, मैक्सिमम प्रॉफिट हमने 1500 डाला हुआ था, फिर मैक्सिमम लॉस हमने मैक्सिमम 900 डाला था, और फिर हमने इसका चेंज कर दिया था, मैक्सिमम प्रॉफिट को 420 चेंज कर दिया था। ठीक है ना, ये कहानी तो आपको लाइव वीडियो में दिख गई थी, बट ये जो 7th Jan को फिर से इसको रन किया गया, जिसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया, बट आपको लॉग फाइल से समझा देता हूँ। चूंकि इसमें एडजस्टमेंट हुआ था, इसलिए इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एडजस्टमेंट किस तरह से आपको बेनिफिट देता है ऑटोमेटिकली। तो आप देखिए इसको टूल को रन किया गया था दोनों में, तो आप देखिए यहाँ पर निफ्टी के केस में तो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना डाला हुआ, 1500 और 1200 मैक्सिमम लॉस। और अगर बैंक निफ्टी के केस में अगर एक एक लॉट, यहाँ देखिए एक लॉट में ट्रेड किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी केस में देखें तो मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 और मैक्सिमम लॉस 1800, ठीक है, ये यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, तो अब शुरुआत में बस हमने इतना टूल को बता दिया। ठीक है, बताने के बाद में अब जो निफ्टी का एंट्री कब हुई, निफ्टी में एंट्री जब हमने इस टूल को रन किया था, तब निफ्टी जो है 14185 पर चल रहा था, बैंक निफ्टी हमारा 32029 पर चल रहा था। अब ये टूल जब रन हुआ तो देखिए लगभग 11 बज के 11 मिनट के आसपास ये टूल रन करना स्टार्ट किया। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है देखिए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के, तो देखो बैंक निफ्टी में एडजस्टमेंट ट्रिगर हुआ यहाँ पर, ठीक है, आपको देख रहा है बैंक निफ्टी में एडजस्टमेंट ट्रिगर हुआ। निफ्टी केस में अभी कुछ भी नहीं हुआ, निफ्टी ज़्यादा क्योंकि वोलेटाइल नहीं होता, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी हाई वोलेटाइल है, इसमें एडजस्टमेंट की प्रॉब्लिटी ज़्यादा रहती है। तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट वन ट्रिगर हुआ, जब एडजस्टमेंट वन ट्रिगर हुआ उस समय हमारे को -1700 का लॉस हो रहा था। ठीक है, एडजस्टमेंट -1700 का लॉस हुआ, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो निफ्टी उस बिटवीन 1:28 के आसपास जो है निफ्टी में जो है इसने प्रॉफिट बुक कर लिया, रियलाइज्ड MTM लास्ट पोजीशन 1545। 1545 इसलिए बुक कर लिया कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ 1500 का डाला हुआ था, तो इसलिए ये पोजीशन तो एग्जिट हो गई निफ्टी वाली हमारी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि एडजस्टमेंट टू हुआ किस में, बैंक निफ्टी केस में, बैंक निफ्टी केस में फिर से एडजस्टमेंट टू डला। जब एडजस्टमेंट टू डला तो उस केस में हमें जो जहाँ पे -1700 का लॉस था, अब इसने 1762 रुपये का प्रॉफिट आने लग गया इसके अंदर। ठीक है, फिर ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उसके बाद में इसने जो है यहाँ पर लगभग 2:38 के आसपास जो इसने 1980 का इसने जो है लगभग रियलाइज प्रॉफिट बुक कर लिया। तो प्रॉफिट बुक क्यों किया इतना, क्योंकि हमने 2000 का मैक्सिमम प्रॉफिट डाला हुआ था, तो इतना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो चूंकि ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हुई, इसने एडजस्टमेंट सारे ऑटोमेटिक, दो एडजस्टमेंट किए सारे ऑटोमेटिक किए। अगर यहाँ पर हम अगर हम मैनुअली कुछ करते, मैनुअली कुछ करते तो मान लीजिए 1700 पे आपका आप परेशान होकर हो सकता है एग्जिट हो जाते, बट यहाँ पर जो टूल ऑटोमेटिकली पूरा डिसिप्लिन में काम कर रहा है, तो डिसिप्लिन में काम करते हुए -1700 पे यहाँ पे इसलिए एग्जिट नहीं किया,
चूँकि यहाँ पे हमने मैक्सिमम 1800 का लॉस डाला हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर इसने एडजस्टमेंट वन किया, फिर एडजस्टमेंट टू किया और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट में बुक किया। तो टूल जो है कम्प्लीटली फुली ऑटोमेटेड है, यहाँ पर एडजस्टमेंट ये खुद से करता है, स्ट्राइक प्राइस खुद से सिलेक्शन करता है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ लाइक दिस रूल, अगर आप टूल को अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये टूल जो है फिलहाल के लिए API मतलब अलाइज ब्लू पर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि अलाइज ब्लू की API फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए फिलहाल ये अलाइज ब्लू पर डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।